गुरुवार को महापौर दयाशंकर तिवारी की प्रमुख उपस्थिति में प्रभाग क्रमांक 30 भांडेल लेआउट में 1000 पौधों का वृक्षारोपण किया गया। इस वक्त महापौर तिवारी ने कहा कि ममता की ओर से शहर में ऑक्सीजन जोन बनाने का संकल्प लिया गया है, जिसका निश्चित ही लोगों को फायदा होगा। पर्यावरण दिवस के अवसर पर नागपुर महानगर पालिका की ओर से शहर में ऑक्सीजन जोन का निर्माण करने का संकल्प लिया गया है। इसी के तहत गुरुवार 1 जुलाई को महापौर दयाशंकर तिवारी की प्रमुख उपस्थिति में प्रभाग क्रमांक 30 भांडेल लेआउट में 1000 पौधों का वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान महापौर तिवारी ने कहा कि इस उपक्रम के तहत मनपा की ओर से कई पेड़ों को लगाने का संकल्प लिया गया है। इस वक्त उन्होंने इस संबंध में अधिक जानकारी साझा की। नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से यह जो वर्ष है, यह वर्ष आजादी की 75वीं वर्षगांठ है, इसलिए एक नया संकल्प लेकर के आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ में नागपुर शहर में 75 ऑक्सीजन जोन बने, इस संकल्पना को लेकर के हमने इस कार्य की शुरुआत करी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिन था, इसलिए उस दिन करीब करीब 3000 पौधे गांधीबाग बगीचे में लगाए गए, जो ऑक्सीजन प्रदान करने वाले ऐसे पौधे जिनकी हाइट बगीचे में लगने वाले पौधे जैसे हो, ऐसे पौधों का वहाँ रोपण किया गया, जिसमें बहुत बड़े प्रमाण में आयुर्वेद के वृक्ष भी हैं। आज दूसरा कार्यक्रम करके हमने यहाँ माननीय अनिल जी शोले जब महापौर थे तो उन्होंने 1 जुलाई से वृक्षारोपण की शुरुआत की थी, उसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने यहाँ वृक्षारोपण किया। यहाँ भांडे प्लाट चौक पीएफ ऑफिस के सामने हम लोग यहाँ 1000 पौधे लगा रहे हैं, जो बढ़ करके ऑक्सीजन झोन के रूप में यहाँ काम करेंगे, और इसमें पीछे की दीवार से लग करके एक वॉकिंग ट्रैक रहेगा, जिससे इस ऑक्सीजन का फायदा वॉकिंग के रूप में यहाँ के नागरिक उठा सके। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में महापौर दयाशंकर तिवारी, उप महापौर मनीषा धावड़े, प्रभाग क्रमांक 30 की नगर सेवक नागेश सहारे समेत अन्य लोग उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोर के साथ दिशा हटवार, BCN News नागपुर।